पंजाब में पीर मुसल्ला बिल्डर एसोसिएशन की सर्वसहमति से चुनाव हुआ और प्रदीप गोयल को एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे वर्षों से प्रॉपर्टी में जो गिरावट आ रही है उससे बिल्डर व लोगों पर काफी बुरा असर पड़ा है और बिल्डरों को काफी घाटा हुआ है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को एक ही सिस्टम देंगे और उनको मालूम होगा कि बिल्डर से किस तरह से फायदा लिया जा सकता है। वह उन्हें बताएंगे कि वह जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वह सही है या गलत। उन्होंने सरकार को मैसेज दिया कि पिछले 5-6 वर्षों से प्रॉपर्टी में गिरावट चल रही है, रियल एस्टेट को ऑफ करने के लिए पंजाब सरकार को उनका साथ देना चाहिए और कहा कि सरकार की तरफ से नई पॉलिसी बिल्डरों के लिए बनाई जाए, जो EDC रेट है वो ज्यादा है उनको कम किया जाए और बिल्डर को अप्रूवल के लिए बार बार सरकार के दरवाजे पर ना जाना पड़े और जिन लोगों ने प्रोजेक्ट में पैसे लगाए होते हैं बिल्डर को ही दोषी ठहराया जाता है। साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर को भी कहा कि वह अपना पैसा टाइम पर बिल्डर के पास जमा कराए जिससे बिल्डर का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें कभी भी किसी तरह की रुकावट ना आए। असी पब्लिक नूं एक यूनिफॉर्म सिस्टम प्रोवाइड करांगे जिदे विच उन्हां नूं पता होएगा कि केड़ियां अप्रूवल्स बिल्डर कोल होनियां चाहीदियां हन, किस तरह उन्हूं एरिया जज करना चाहिए कि फ्लैट का एरिया किन्ना है, कि बिल्डर दीआं उहदे विच ड्यूटियां ते कि उहदे क्लाइंट्स दीआं ड्यूटीज़ ने। असीं चाहवांगे कि दोनों दीआं ड्यूटी ते राइट्स नूं बैलेंस करके चलिया जाए तां कि बिल्डर नूं भी प्रॉब्लम ना ते पब्लिक नूं भी प्रॉब्लम ना। सरकार नूं मैसेज देना चाहवांगे कि जिस तरह कि पिछले 5-6 साल तों प्रॉपर्टी दे विच बहुत मंदी चल रही है, उस मंदी नूं उभारन वास्ते इस फ्रंट नूं, इस रियल स्टेट मार्केट नूं अप करन वास्ते पंजाब गवर्नमेंट का सानू बहुत साथ चाहिए होएगा। उस दे लिए असी चाहवांगे कि जिहड़ियां गवर्नमेंट वालों पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो बिल्डर फ्रेंडली बनाई जान, अप्रूवल्स बहुत जल्दी कीतियां जान, सिंगल विंडो सिस्टम दिता जाए एंड चार्जिज जिहड़े ने वो बहुत हाई ने, EDC IDC के चार्जिज घटाए जान एंड जिहड़ियां भी टाइम बाउंड अप्रूवल्स ने वो होनियां चाहीदियां हन। यही साडा एक डाउनफॉल आया पिछले 10 साल बिल्डरां दा, की रीज़न सी डाउनफॉल आउण दा? डाउनफॉल आउण दे पिछे सर मल्टीपल रीज़न हन। जिस तरह के तुसी देख रहे हो कि बिल्डर जो अपनी जमीन प्रक्योर करन तो बाद अप्रूवल्स दे लई डिपार्टमेंट्स का दरवाजा खड़ाउंदा है तो उन्हों इन्ना लंबा टाइम लग जाता है कि उहदी कंस्ट्रक्शन की स्टेज तक पहुँचते पहुँचते उहदी कमर टुट जाती है, वह अपने आप जस्टिफाई नहीं कर पाता, वह इन्ने कर्ज के नीचे दब जाता है, वह इन्ने इंट्रस्ट के बोझ नीचे दब जाता है कि वह प्रोजेक्ट नूं स्मूथ चला ही नहीं पाता, जिहदी वजह नाल जिहड़े लोगों ने उन्हां प्रोजेक्ट्स दे विच पैसे लाए होंदे हन वो लोग सफर करते हैं, उन्होंने टाइम पर फ्लैट नहीं मिले, उन्होंने बिल्डर्स अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते जिदी वजह के नाल बिल्डर लॉबी बदनाम हो रही है, पब्लिक सफर कर रही है। इस करके जे टाइमली अप्रूवल्स हो जाए और पब्लिक नूं भी मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जे पब्लिक अपना पैसा टाइम पर बिल्डर को जमा करवाए तो कि कंस्ट्रक्शन रुके ना, वो टाइम पर कंस्ट्रक्शन पूरी करन तो लोगों को टाइमली फ्लैट्स मिलेंगे, बिल्डर्स की इमेज बैटर होएगी, पब्लिक कंफर्ट महसूस।